हाय, आई एम राधिका, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के हम इस वीडियो में देखेंगे कि ट्रांसपेरेंट मस्कारा कैसे बनाते हैं, उसको कैसे लगाते हैं एंड उसके अच्छे फायदे क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये मस्कारा बनाना बहुत ही इजी है। इसके लिए हमें चाहिए एक एलोवेरा लीफ, उसको साइड से कट करके उसके ऊपर की स्किन निकाल देनी है और उसका अंदर का जो भी पल्प है उसको स्कूप आउट करके जो भी हमारा मिक्सी है उसके अंदर डालना है और उसकी एक फाइन पेस्ट करके लेनी है। और अगर आपको उसमें कुछ फ्रेग्रेंस ऐड करना है तो आप कोई भी एक इसेंशियल ऑयल या फ्रेग्रेंस के लिए जो भी फ्रेग्रेंस ऑयल आते हैं वो आप उसको ऐड कर सकते हैं। ये ऑप्शनल है, अदरवाइज आपका जो भी रॉ पेस्ट निकलेगा, एक रनी पेस्ट निकलेगा, वो आपका मस्कारा होगा। हमने एलोवेरा का जो भी एक लिक्विड बनाया है वो इसलिए बनाया है ताकि अगर हम उसे डे टू डे यूज करने वाले हैं तो उसको लगाने में आसानी हो। पर मैं यहाँ पे डायरेक्टली एक एलोवेरा का इतना छोटा पीस यूज करने वाली हूँ क्योंकि मुझे हर दूसरे दिन में एलोवेरा का कुछ ना कुछ यूज करती रहती हूँ। मुझे किसी ना किसी में मिक्स करके उसको अपने बॉडी पे अप्लाई करती रहती हूँ, तो इसलिए मैं लिक्विड पेस्ट नहीं बना के रख रही हूँ। मैं डायरेक्टली जो भी नेचुरल जेल निकलेगा उसमें से मैं वही यूज करने वाली हूँ। इस वीडियो को आप जरूर देखिए क्योंकि लगाने के बाद इसके बहुत अच्छे फायदे क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग है, वो मैं बताने वाली हूँ। तो आप इस वीडियो को जरूर अंत तक देखिए। ये बहुत ही फ्रेश एलोवेरा लीफ है तो इसके ऊपर ऑलरेडी काफी सारा जेल है, तो मुझे उसको प्रेस करके और जेल निकालने की कोई जरूरत नहीं है। तो मेरे पास ये एक मेरे पुराने मस्कारा का एक वॉन्ड था, मैंने इसको फेंका नहीं था, इसको पूरी तरह से क्लीन किया है मैंने। उसके ऊपर कोई भी कलर नहीं है, आप देख सकते हैं, मैंने अच्छे प्लेन वाटर से उसको क्लीन किया था। तो अब मैं इस वॉन्ड को इसमें ऐसे पूरी तरह से रोल आउट करूंगी। अपने आईलैशेस के ऊपर कोई पहले से मस्कारा नहीं लगाया है, कुछ आईलाइनर नहीं है, लगाने वाली थी बट मुझे आपको ये बताना था इसलिए मैंने अपने आंखों के आईलैशेस के ऊपर स्पेशली मैंने कुछ अप्लाई नहीं किया है। इसको लगाने का तरीका भी अपने नॉर्मल तरीके की तरह ही है, हम लोग जैसे नॉर्मल ब्लैक कोई भी ब्रांड का जो मस्कारा लगाते हैं सेम उसी तरीके से लगाना है। आई डोंट नो ये कितना विजिबल है, वहाँ पे कोई लैश कलर यूज नहीं किया है, कुछ नहीं अप्लाई तो कुछ किया ही नहीं था, तो ये मेरे नेचुरली कितनी अपलिफ्ट हो गई है, कितना वॉल्यूम दिख रहा है, जैसे मैंने कोई हाई एंड ब्रांड का कोई मस्कारा लगाया है वो ऐसे शो हो रहा है वो इतना। इसलिए मुझे ये मस्कारा बहुत बहुत अच्छा लगता है। तो देखा कितने अच्छी तरह से इसने मेरी नेचुरली आईलैशेस को अपलिफ्ट किया है। देखेंगे हम इसके अच्छे फायदे। इसका जो फर्स्ट बेनिफिट है वो आपने मेरे वीडियो के स्टार्टिंग में काफी टाइम मेरे मुंह से सुना होगा और वो है कि ये आपके आईलैशेस को इंस्टेंटली अपलिफ्ट करता है विदाउट यूजिंग एनी लैश कर्लर। आपकी आईलैशेस को किसी भी नॉर्मल मस्कारा की तरह वॉल्यूमनाइज बना देगा और आपकी आंखें बहुत अच्छी लगेंगी। आप इसे एज अ आईलैश प्राइमर की तरह भी यूज कर सकते हैं। ये हमारी आईलैश के रूट से कोई भी केमिकल आईलिड के अंदर जाने से रोकता है। आप इसे कभी भी कहीं भी लगा सकते हो। ये हमारे वर्किंग क्राउड के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। ये ट्रांसपेरेंट होने की वजह से इसके स्टेनिंग की कोई इश्यू नहीं है। अगर आपकी आईलैशेस काफी थिन है या उनका ग्रोथ अनइवन है, जैसे हमारा हेयर फॉल होता है तो उनका एक रीग्रोथ का साइकिल होता है, वैसे ही हमारी आईलैशेस का भी हेयर फॉल होता है और उनका रीग्रोथ का साइकिल आई गेस 60 डेज का होता है। आई एम नॉट श्योर बट इफ आई एम नॉट रॉन्ग उनका जो उनका रीग्रोथ का साइकिल होता है वो ऑलमोस्ट 60 डेज का होता है। तो अगर इस कंडीशंस में अगर आपकी ग्रोथ अनइवन है या आपकी जो आईलैशेस थिन हो गई है तो इन कंडीशन में आप इसे एज अ मेडिसिन की तरह भी यूज कर सकते हैं। ये 100% नेचुरल है एंड इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है, इसलिए इसको कोई भी एज ग्रुप लगा सकता है। ये हमारे कॉलेज गोइंग क्राउड के लिए एक बहुत ही बजट फ्रेंडली ऑप्शन भी है। सो ऑल इन ऑल ये हमारे कॉलेज गोइंग क्राउड से लेके हाउसवाइफ तक सभी कैटेगरीज के लिए एक बहुत ही अच्छा एंड 100% नेचुरल ऑप्शन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसको जरूर लाइक कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।